दोस्तों, मैं हूँ माधुरी। ओरिजिनल फूड रेसिपी बाय माधुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ला, काला जामुन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं झटपट से काला जामुन, वो भी आटे से, और बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने मावा ले लिया है। ये 500 ग्राम मावा है। तो 500 ग्राम मावा में मैं मैदा नहीं डालूंगी इसमें। मैं ये देखिए, मैंने 2 से 3 बड़ी इलायची जो होती है काली इलायची, वो मैंने पीस ली है। इसमें मैं ये डाल दूंगी मावा में। और ये देखिए, ये जो मैंने आटा लिया है थोड़ा सा, ये समझ लिए 1 कप आटा है। तो इसे मैं मिलाऊंगी, और जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से मैं इसे माल लूंगी। अच्छा, और चलिए तो पहले इसे माड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने मिलाकर रख लिया है। ये आटा और मावा है। तो इसकी मैं गोल गोल लोइयां बना लेती हूँ। गोल गोल लड्डू बनाना है रसगुल्ले के लिए। आपको जितनी भी साइज़ के बनाना हो आप बना सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने घी डाल लिया है। मैं घी के रसगुल्ले बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा घी लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनते हैं। तो ये देखिए, 250 ग्राम, लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा इसमें घी है। तो चलिए पहले गोल गोल बना लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लो आंच पर घी गरम करना है। देखिए दोस्तों, ये है चीनी और पानी। ये मैंने आधा किलो में रसगुल्ला, आधा किलो मावा के रसगुल्ला बना रही हूँ। तो आधा ही किलो मैंने, मतलब 500 ग्राम मैंने चीनी ले ली है, और उसमें 500 ग्राम से आधा मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। तो चलिए इसका सीरा बना लेते हैं। तो इसका सीरा बनाते हैं। तो सीरा चाशनी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको गैस पर रखते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं गैस पर, जब तक ये घुलती है, ये सीरा घुलता है। इसे धीरे धीरे हमें धीमी आंच पर बिल्कुल इसे चाशनी को तैयार करना है, बिल्कुल लो आंच पर। जब ये घुल जाएगी चीनी, तब जाके इसे थोड़ा तेज करना है, और एक तार की हमें इसकी चाशनी बना लेनी है। तो 500 ग्राम चीनी में मैंने इसमें 3 ग्लास पानी ऐड किया है। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तैयार कर लिए हैं, पूरे गोल लड्डू बना लिए हैं मावा के। और ये देखिए, ये मैंने घी गरम गरम होने के लिए रख दिया है। और एक रसगुल्ला आप भी ज़रा सा डाल के ज़रूर देखा कीजिए, थोड़ा सा इससे पता चल जाता है कि कैसा इसमें फिक्स मसाला है या नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है लगभग। तो ये देखिए, चाशनी हो चुकी है, और अब देख लेते हैं एक तार की चाशनी हुई है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, तो ज़रा सा किनारे पर रखेंगे और इसे लेकर ज़रा सा ये देखिए इस तरह से चिपका कर देखेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये एक तार निकल रहा है, एक तार। तो ये चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब इसे बंद कर देंगे और रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। हाँ, चाशनी में मैंने 2 से 4 इलायची मैंने पीस कर रखी थी। ये देखिए इलायची पाउडर, तो ये इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें। देखिए, मैंने इलायची पाउडर डाला है सीरा में, और बड़ी इलायची डाली थी मैंने मावा में। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं अब। ये हो चुकी है, और अब रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया चाशनी बन गई है। और ये देखिए, ये है, ये हो चुका है घी। तो अब इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े रसगुल्ला। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इन्हें उलट पुलट करते हुए। ये देखिए कितने बढ़िया सिक चुके हैं ये।
तो अब इनको निकालेंगे, इनका थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए ज़रा, और बस इनको निकाल लेंगे और निकाल कर इन्हें सीरा में डुबोएंगे। चलिए तो इनको अब निकाल लेते हैं, ये तल चुके हैं अच्छे से, और दूसरे डाल देते हैं फिर। ये देखिए कितने बढ़िया से किए हैं। चलिए तो इनको निकाल कर सीरा में डालते हैं। ये देखिए दोस्तों बन चुके हैं रसगुल्ला। ये देखिए बढ़िया सीरा में, चाशनी में बढ़िया डब हो चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसे ये रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए एक रसगुल्ला मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको। देखिए कितना बढ़िया रसगुल्ला बना है, देख सकते हैं आप। देखिए